मणिपुर में सोमवार को हुई हिंसा में घायल एक बीएसएफ जवान रंजीत यादव की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना के स्पीयर कोर ने बताया कि 5 मई को सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और जवानों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें बीएसएफ जवान घायल हो गया था। असम राइफल्स के भी 2 जवानों को गोली लगी है। इन्हें एयरलिफ्ट कर मंत्री पुखरी ले जाया गया। राज्य में कुकी और मेतेई समुदाय के बीच 3 मई से जातीय हिंसा चल रही है। हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 घायल है, वहीं 37,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में भेजे गए हैं। हिंसा से 11 जिले प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को भड़की हिंसा में काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा बल राज्य में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 5 मई को 790 हथियार और 10,648 गोला बारूद बरामद किए गए। इन हथियारों को 3 मई को भड़के जाति दंगों के दौरान पुलिस से लूटा गया था। हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडवोकेट चोगथम विगटम सी और बिजनेसमैन मैंगम बाम जेम्स ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यव्यापी इंटरनेट बंद से उनका जीवन और आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये लोगों के दैनिक जीवन और उनके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।